हेलो स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP401T जो कि बेस्ड है कि टू बी फार्मा सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 के सिलेबस पर, इसका जो 31 लेक्चर्स है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इसके पहले के जो 30 लेक्चर्स हैं वो आपके 3 यूनिट पर बेस्ड हैं। यूनिट 1 में आप लोगों ने स्टीरियो आइसोमिजम पढ़ी, यूनिट 2 में जियोमेट्रिकल आइसोमिजम, यूनिट 3 में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में स्टडी की। तो इनके जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जा करके इन लेक्चर्स को आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, तो यूनिट 4 में भी हमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी स्टडी करना है। कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हेट्रोसाइक्लिक से रिलेटेड हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे हम लोगों को पढ़ना है सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड मेडिसिनल यूज ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स लाइक पाइराजोल, इमिडाजोल, ऑक्साजोल एंड थायाजोल। ये सारे के सारे कंपाउंड ड्रग्स बनाने में अपना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही हमें इसके बाद भी कंटिन्यू रखना है इस टॉपिक को, प्रीमिडीन, क्यूनोलीन, आइसोक्यूनोलीन, एक्रिडीन और इंडोल, इनके बारे में भी हमें सिंथेसिस, रिएक्शन और मेडिसिनल यूज पढ़ने हैं। साथ में हमें स्टडी करनी है बेसिसिटी ऑफ पिरिडीन की। फिर हम लोग कुछ और कंपाउंड की सिंथेसिस और मेडिसिनल यूज के बारे में जानेंगे। इसमें है आपका प्रीमिडीन, प्यूरीन, एजिपिन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो ये आपका सिलेबस है यूनिट 4 का। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 31, जिसमें दो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे। पहला आपका पाइराजोल्स है और दूसरा है इमिडाजोल्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो पाइराजोल की अगर हम बात करें तो पाइराजोल इज अ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ 5 मेंबर रिंग विद द फार्मूला C3H3N2H, इन विच नाइट्रोजन एटम इज प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशंस 1 एंड 2। तो जो पाइराजोल है ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जो 5 मेंबर रिंग होती हैं इसमें, और इसमें इस रिंग में 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं जो एडजेसेंट पोजीशन पे जुड़े हुए होते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हो कि जो दोनों नाइट्रोजन हैं 1 एंड 2 पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। इट कंटेन 2 पाई बॉन्ड्स, इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं, एक 2-3 पोजीशन पर यहाँ पे दिखाया गया है और दूसरा आपका 4 एंड 5 पोजीशन पर है। साथ में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे आपको दिखाया गया है विद sp2 हाइब्रिडाइजेशन। साथ में ये जितने भी सेंटर हैं इनका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 5 सेंटर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल करके आता है। इट इज एन एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हो। तो बेसिक जो प्रॉपर्टी है, हमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जो हकर्स रूल का फॉलो करते हैं। तो इसमें आपके 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। इन 6 डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके पाई बॉन्ड से आते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के आते हैं। इस प्रकार इनका सेक्स्टेट कंप्लीट होता है। और इस 6 इलेक्ट्रॉन को अगर हम हकर्स रूल में अप्लाई करें तो n=1 निकल के आता है। साथ में इसका स्ट्रक्चर प्लेनर है, इससे प्रूव होता है कि आपका जो पाइराजोल है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इसकी जो अपीयरेंस है वो व्हाइट कलर की या फिर लाइट एरेंज कलर की होती है और ये एक सॉलिड कंपाउंड होता है।
मेल्टिंग पॉइंट इसका 66 से लेकर के 67 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो पाइराजोल है ये डायहेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अपनी रिंग में कंटेन करता है, जिसमें वन एंड टू पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़े होते हैं। इसके स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ और आपको ध्यान देनी पड़ेगी पाइराजोल के, वो एक जो दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पर एनएच ग्रुप है और दूसरा केवल एन ग्रुप वाला है। तो नंबरिंग हमेशा सैचुरेटेड ग्रुप से की जाती है, इसलिए नंबरिंग एनएच ग्रुप से की जाएगी वन, फिर सेकंड नंबरिंग सेकंड नाइट्रोजन को, और थर्ड फोर एंड फाइव नंबरिंग जो है जो कार्बन रिंग में प्रेजेंट है उनको दी जाएगी। पाइराजोल के वन पोजिशन पे चूंकि सैचुरेशन है और एक एच प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग वन एच पाइराजोल भी कहते हैं। जैसे पाइराजोल में हम लोगों ने पीछे देखा था, जहां पर भी एनएच लिखा होगा उसको कॉमन नेम सिंपल पाइराजोल या पाइराजोल या फिर वन एच पाइराजोल लिखा जा सकता है। ओके, तो ये थे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करेंगे सिंथेसिस ऑफ पाइराजोल की। कई सारे साइंटिस्टों ने डिफरेंट मेथड दिए पाइराजोल की सिंथेसिस के, उसमें के कुछ जो कॉमन मेथड है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सभी मेथड तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे। पाइराजोल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड विद हाइड्रोजन एंड सब्सिक्वेंट डिहाइड्रोजिनेशन। तो एक मेथड यहाँ पर यह है कि कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लेना है और उसकी रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन से, और उसके बाद में अगले स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन करने पर पाइराजोल बनता है। तो इस मेथड से हम पाइराजोल सिंथेसाइज करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्राइल एल्डिहाइड लिया गया है, इसकी अगर नंबरिंग की जाए तो वन टू और थ्री आती है। तो टू वन पोजिशन पे तो एल्डिहाइड ग्रुप है, सी एच ओ ग्रुप है ये, और टू थ्री पोजिशन पे डबल बॉन्ड है, जिसको हम सेकंड पोजिशन को अल्फा और थ्री पोजिशन को हम लोग बीटा भी कहते हैं। तो इस तरीके से चूंकि यहाँ पे टू एंड थ्री पोजिशन पर डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहलाएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और दूसरा कंपाउंड है हाइड्रोजन, जिसका फार्मूला होता है NH2NH2। इससे जैसे रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो यहाँ पर यह आपका वन एच पाइराजोल बनता हुआ दिखाई देता है। तो हाइड्रोजन और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से पाइराजोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ऐसे पाइराजोल्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ पिरिमिडीन विद हाइड्रोजन। अगर पिरिमिडीन की रिएक्शन कराई जाए हाइड्रोजन से तब भी आपका पाइराजोल बनता है। तो आप देख सकते हो ये आपका पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर्स में सिक्स मेंबर रिंग होती है, जिसके वन और थ्री पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा होता है। तो जब इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो होता क्या है, एक सी एच टू ग्रुप कम हो जाता है और पाइराजोल बनता है, साथ में एन एच डबल बॉन्ड सी एन एच टू ग्रुप बाहर निकलता है, जिसको हम लोग फॉर्माइमिडामाइड के नाम से जानते हैं, फॉर्माइमिडामाइड के नाम से इसको जानते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि जो ये प्रोडक्ट बनना है ये कैसे बनता होता है, तो इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। तो पिरिमिडीन की अगर बात करें, जैसे हाइड्रोजन इसके पास आता है तो जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन के बाद सेकंड पोजीशन पर आपका इसका लोन पेयर अटैक करता है। तो एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, क्योंकि पिरिमिडीन में दो नाइट्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक अटैक स्लो हो जाता है और न्यूक्लियोफिलिक अटैक आसानी से होने लगता है। तो इसमें सेकंड पोजीशन न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए बहुत ही सुटेबल है। तो इसको के हीट करके रिएक्शन हो जाती है और ये एनएच इससे जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप देख सकते हो कि जो NH2 है ये यहाँ पे जुड़ गया है, और जो NH2 का एक H है वो ट्रांसफर होकर के
दूसरे एनएच पे आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन होता है, ऐसे इसकी रिंग ओपनिंग हो जाती है। पहला एरो आपका कुछ इस तरीके से लगता है, सेकेंड एरो ये लगा हुआ है और थर्ड एरो ये लगा हुआ है। तो थ्री एरो लगा करके अगर आप पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करोगे तो आपका जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा और ये ओपन चेन कंपाउंड बन जाएगा। इस कंपाउंड को थोड़ा सा हम लोग चेंज करके बना लेते हैं, जिसमें हमने NH NH2 को और 5 मेंबर रिंग की तरह बना लिया है और बाकी जो NCH H2O इसको रिंग के बाहर रख दिया है, जिससे आगे जो है हमें मैकेनिज्म समझाने में आसानी रहे। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का जो दूसरा H2 ग्रुप पर लोन पेयर है, ये क्या करता है, N के पास वाले कार्बन पर अटैक करता है, यानी कि फिर से जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है और साथ में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके कहाँ चले जाते हैं, नाइट्रोजन पर चले जाते हैं। इस तरीके से ये एक रिंग ओपनिंग है। तो यहाँ पर एक ये ब्लैक कलर का बॉन्ड बनता हुआ दिखाया गया है और जो हाइड्रोजन था NH2 का वो शिफ्ट होकर के इस वाले NH पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप की जब हम लोग बात करते हैं तो जनरली अब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग दिखानी होती है, जो NH, ये आपका NH ग्रुप है, इसका H ग्रुप फिर से क्या करता है, मूव करता है, यानी कि शिफ्ट करता है और शिफ्ट होकर के नाइट्रोजन पे आकर जुड़ जाता है। यहाँ से शिफ्ट होता है, शिफ्ट होकर के इस N पे जुड़ जाएगा, जिससे आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होकर के ये NH2 डबल बॉन्ड NH बनता हुआ बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, फार्मिडामाइड बन जाएगा और साथ में NH पैराजोल बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो जो प्रिमिडीन है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फिर रिंग ओपनिंग होती है, रिंग क्लोजिंग होती है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है और फाइनली बन जाता है पैराजोल। तो प्रिमिडीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा करके हम पैराजोल बना सकते हैं और साथ में साइड प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मा इमिडामाइड, जिसका फार्मूला NHCHNH2 होता है। एक और कॉमन मेथड है, नोर एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बहुत ज़्यादा हेटरोसाइक्लिक केमिस्ट्री पर काम किया, तो नोर ने भी पैराजोल को सिंथेसाइज किया हुआ है। पैराजोल डेरिवेटिव कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 1,3 डाइकीटोन विद हाइड्रोजन। इन्होंने जो सिंथेसिस दी पैराजोल की, उसके लिए उन्होंने स्टार्टिंग मटेरियल लिया 1,3 डाइकीटोन। जो रिएक्टेंट है यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया गया, पीछे की जो दो सिंथेसिस पढ़ाई वहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया गया और नोर की इस सिंथेसिस में भी हाइड्रोजन लिया गया। तो देयर आर एन एग्जांपल ऑफ डाइकीटोन्स। तो डाइकीटोन्स में दोनों तरफ R1 और R2 जुड़े होंगे और दो CO ग्रुप होंगे। डाइकीटोन की जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई जाती है तो एक तरीके की कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, तो जो दोनों O हैं ये आपस में NH2 के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और दो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाते हैं, तो बन जाता है आपका पैराजोल का डेरिवेटिव्स। यहाँ पर हम R1 R2 चेंज करके कई सारे आपके पैराजोल के डेरिवेटिव सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में जनरली क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है एसिडिक फॉर्म में आता है और उसमें H+ रहता है, तो थोड़ा सा एसिड की जरूरत पड़ती है रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे H+ आता है किसी कीटोन के पास में, तो आपका जो इसका ऑक्सीजन है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और हाइड्रोजन क्या करता है, कीटोन को प्रोटोनेटेड कर देता है, जिससे ऑक्सीजनियम आयन बनता है, O के ऊपर एक प्लस चार्ज डेवलप होता है। इस प्लस चार्ज को ख़त्म करने के लिए जो पाई बॉन्ड है मूव करता है, O को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे ये कार्बन सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बोकेटाइन बनता है। उस कार्बोकेटाइन को फिल करने के लिए हाइड्रोजन आकर के इससे जुड़ जाता है, तो आपका जो डबल बॉन्ड है वो फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और जो N है वो यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखाई देता है, यानी इससे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो NH2 का है, जब भी N मूव करेगा तो साथ में NH2 का एक हाइड्रोजन आपका बाहर निकलता है,
या फिर कहीं पे जाकर के जुड़ता है, तो यहाँ पर ये बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले स्टेप में जो ये OH ग्रुप है और जो H ग्रुप है, ये डिहाइड्रेशन होकर के बाहर निकल जाते हैं। और डिहाइड्रेशन को मैकेनिज्म में शो करने का तरीका है कि NH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आप मूव करो, जिससे यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। फिर सेकंड स्टेप में CO जो बॉन्ड है उसको मूव कर देना है, जिससे क्या होगा H और OH ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और जो NC है इसके बीच में एक डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। ओके, तो अब क्या होता है, आगे जो सेकेंड NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसके पास लोन पे हैं, ये दोबारा अटैक करते हैं। ये अटैक करता है कार्बोनिल के कार्बन पर, और कार्बोनिल का जो पाई बॉन्ड है वो मूव हो जाता है ऑक्सीजन पर। तो साथ में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे वो रिंग क्लोजिंग रिएक्शन है, तो C और N के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, CN बॉन्ड बन जाएगा। और साथ में जो NH2 का H है वो जाकर के इस ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, तो ये OH बना लेता है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या रह गया, अब एक डबल बॉन्ड रह गया। तो जैसे वो N पे H आता है तो ये अनस्टेबल कंपाउंड है, फिर से NH बॉन्ड ब्रेक होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को मूव करता है और H2O डिहाइड्रेशन फिर से आ जाता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इस तरीके से आप देखते हो पाइराजोल के डेरिवेटिव यहाँ पे बनते हुए दिखाई देते हैं। तो दैट इज अ पाइराजोल डेरिवेटिव। फिर एक और सिंथेसिस है जिसमें एल्काइन की रिएक्शन कराई जाती है नाइट्राइमीन से। तो एल्काइन का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हो, तो एल्काइन के स्ट्रक्चर में R1 है, ट्रिपल बॉन्ड है, R2 यानी कि हम यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूशंस रख सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या कोई और फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे रखा जाता है। अब क्वेश्चन है नाइट्राइल इमीन क्या होता है। तो नाइट्राइल इमीन का स्ट्रक्चर देखो, तो इसमें एक R ग्रुप होता है, फिर एक कार्बन है और फिर एक नाइट्रोजन है, यानी कि साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस N के साथ में सिंगल बॉन्ड से एक N और जुड़ा होता है, जिससे N बॉन्ड N को हम लोग इमीन के नाम से जानते हैं जनरली, और फिर दूसरे N से एक R ग्रुप जुड़ा होता है। तो दिस इज नोन एज अ नाइट्राइल इमीन, नाइट्राइल से जुड़े हुए NR ग्रुप को हम लोग इमीन कहते हैं, तो ये नाइट्राइल इमीन है। और नाइट्राइल इमीन के जो स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो NN है, एक N 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ, 3 ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज रहता है, और जो दूसरा नाइट्रोजन है उस पर एक बॉन्ड कम है, जिसकी वजह से इसमें एक माइनस चार्ज होता है। और कई बार ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करते हैं, CN के बीच में डबल बॉन्ड हो जाता है और NN के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है, तो ये रिजोनेंस हाइब्रिड की तरह दिखाई देते हैं। यहाँ पर होता क्या है, जैसे नाइट्राइल इमीन एल्काइन के बीच आता है तो इनके बाद में डाइपोलर साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है। डाइपोलर साइक्लोएडिशन क्यों कहते हैं, क्योंकि दो पोल है, एक नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है और दूसरे पर माइनस चार्ज है, इसलिए इस रिएक्शन को डाइपोलर साइक्लोएडिशन कहते हैं। एडिशन क्यों हो रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, खाली यहाँ पे जो एल्काइन है वो आपका डाइपोलर नाइट्राइल इमीन के साथ में जुड़ रहा है। जैसे ही नाइट्रोमिन एल्काइन के पास में आता है तो एल्काइन का जो पाई बॉन्ड है वो अटैक करता है कार्बन पर, और कार्बन का पाई बॉन्ड मूव होता है क्वाटनियम नाइट्रोजन पर, और सेम टाइम में जो नाइट्राइल इमीन का माइनस चार्ज है वो अटैक करता है एल्काइन के दूसरे सेंटर पर। इस तरीके से एक ये आपका R1 के पास CN बॉन्ड बनता है, और दूसरा जो है R2 R4 के बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हो सकते हैं, एक तो आपका R1, फिर दूसरा R2, फिर आपका R4 और फिर R3। तो एक्चुअली में डिपेंड करता है कि कौन सा R1 R2 इस N के पास में आ रहा है। अगर R1 जो है न्यूक्लियोफाइल के पास में आएगा तो आपका ये कंपाउंड बनेगा, और कभी कभी इसका उल्टा हो जाता है, हो सकता है कि R2 जो है आपका N के पास में आ जाए, यानी कि इस मॉलिक्यूल को उल्टा कर दें,
R1 ऊपर लिख दो और R2 को नीचे लिख दो, तो R2 नीचे हो जाएगा तब, तो एक दूसरा इसका आइसोमर बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर R1 R2 डिफरेंट है और सेम नहीं है तो उस तरीके से यहाँ पे टू प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें R1 R2 की जो पोजीशन है वो आपकी चेंज हो जाएगी। ओके, ऐसे ही इसी का मॉडिफिकेशन पार्ट है कि हम लोग डाइजो कंपाउंड से भी रिएक्शन एल्काइन से कराएं तो वहाँ पर भी डाइपोलर साइक्लोडिशन होता है और लगभग सिमिलर प्रोडक्ट बनते हैं। बस अंतर यह रहता है कि N पर सब्स्टिट्यूशंस नहीं होता। यहाँ पे डाइजो कंपाउंड का जो फार्मूला होता है RN2 होता है, शॉर्टकट में इसको RN2 लिखते हैं डाइजो कंपाउंड को, जिसमें एन एन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक एन पे आपका माइनस चार, दूसरे पर प्लस चार और सी के बीच में डबल बॉन्ड रहता है और एक सबस्टिट्यूएंट्स R3 यहाँ पे जुड़ा हुआ। तो सिमिलर साइक्लोडेशन यहाँ पर भी रहता है, माइनस चार्ज अटैक करता है फिर दूसरी तरफ पाई बॉन्ड मूव होकर के डाइजो कंपाउंड के कार्बन पे अटैक करता है, फिर सी एन बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन मूव कर देता है। इससे यहाँ पर भी दो तरीके के डेरिव बनते हैं, एक R1 एक बार NH के पास होता है और दूसरी बार R2 NH के पास में होता है। तो यहाँ पे इसका मिक्सचर बनता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो ये था डाइजो कंपाउंड से इसकी सिंथेसिस। इतनी सिंथेसिस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, और भी ढेर सारे सिंथेसिस हैं जो डिस्कवर की गई हैं, जो डिफरेंट बुक्स में या फिर रिसर्च पब्लिकेशंस में अवेलेबल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम पिछली यूनिट में कंपाउंड्स के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पर पहले फोकस करेंगे। सिमिलर टू पायरॉल, पायरॉल में आप लोगों ने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं लास्ट यूनिट में, अगर नहीं पढ़े तो वहाँ से देख सकते हो। तो पायराजोल भी वैसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। पायराजोल इज ऑल्सो डीलोकलाइज इन फॉर्मिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सेम रहेगा। लोन पेयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और जैसे ही मूव करेगा इसका पाई बॉन्ड जो है थर्ड पोजीशन पर मूव कर जाता है, तो थर्ड पोजीशन पर एनायन बनता है। अगले स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन थर्ड पोजीशन पर एनायन बनेगा और साथ में चूंकि NH का लोन पेयर मूव कर गया है तो NH के ऊपर कार्बोनियम जो आयन है प्लस चार्ज आ जाएगा, क्वार्टनी अमोनियम आयन बनता हुआ दिखाई देगा। तो सेकंड स्ट्रक्चर्स में वापस लोन जो लोन पे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे, उसके साथ में पाई बॉन्ड मूव करेंगे। ऐसा मूव करने पर फाइव पोजीशन पर एनायन जनरेट होता है और ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है, फिर से लोन पे मूव करते हैं, साथ में NN का पाई बॉन्ड मूव करता है जिससे क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एनायन चार्ज बनता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट स्टेप में ये एनायन का चार्ज आगे भी मूव कर सकता है और मूव करते हुए आपका जो फिफ्थ पोजीशन है वहाँ पर आपका एनायन डेवलप होगा। तो पायराजोल इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ दीज फाइव रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और इनको कंबाइंड में रिजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, जिसमें हम लोग NH पे प्लस चार्ज दिखाएंगे और बीच में एक साइकिल बना करके माइनस चार्ज दिखाएंगे। तो माइनस चार्ज ये शो करता है कि जो ये माइनस चार्ज लगातार डीलोकलाइज हो रहा है, तो और नंबरिंग हमेशा NH से स्टार्ट होगी, NH1 N2 और 3 4 N5। तो ये है आपके पायराजोल के फाइव रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पायराजोल जो भी जब भी हम बात करते हैं तो इन फाइव पायराजोल्स का मिक्सचर होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे पायराजोल्स के रिएक्शंस की। पायराजोल इज बिहेव्ड एज वेरी वीक बेस एंड प्रोटोनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये जो है वीक बेस की तरह काम करता है। जैसे पायराजोल था वैसे भी वीक बेस है क्योंकि दो नाइट्रोजन यहाँ पे जुड़ गए हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन करके नाइट्रोजन ग्रुप प्रोटोनेटेड हो जाता है। जैसे पायराजोल ये है, स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो इसका जो N ग्रुप है, N ग्रुप क्या करता है हाइड्रोजन को अपनी ओर अटैक करता है तो N पे प्रोटोनेशन हो जाता है। तो इसको हमें जो प्रोटोनेटेड NH ग्रुप है इस कंपाउंड को पायराजोलियम कैटायन के नाम से जानते हैं और ये डीलोकलाइज करता रहता है, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके डीलोकलाइज करते रहते हैं रिंग में।
पहले आपका यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर आपका जो इसके लोन पेयर हैं ये आपके यहाँ से डीलोकलाइज होंगे। तो इसके भी हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जिससे क्या होता है प्लस चार्ज वन एंड टू पोजिशंस में मूव करता रहता है। तो पैराजोनियम कैटायन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता है। इसकी रिएक्शन की बात करें तो पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। तीन तरीके की रिएक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको ध्यान रखना। पहले हम एडिशन की बात करें, यानी कि कुछ आ करके बाहर से जुड़ेगा, निकलेगा कुछ नहीं। तो मेन रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की है वो है एन का मिथाइलेशन, और एन मिथाइलेशन में सबसे अच्छा एग्जांपल होता है मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराता। तो हम यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन इसकी करा रहे हैं। पैराजोज रिएक्ट विद मिथाइल आयोडाइड एंड प्रोड्यूस एन मिथाइल पैराजोलियम आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड को चेंज करके दूसरे आयोडाइड से मिथाइल ब्रोमाइड भी लिया जा सकता है, या फिर इथाइल आयोडाइड भी हो सकता है। नॉर्मली केसेस में जो सबसे अच्छी रिएक्शन होती है मिथाइल आयोडाइड की होती है। तो पैराजोलियम आयोडाइड आयोडाइड बनता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिथाइल आयोडाइड लिया गया है और ये एन के साथ में मिथाइलेशन हो रही है और प्लस चार्ज डेवलप होता है, और इसका काउंटर चार्ज आई जो है इसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस कंपाउंड को हम लोग पैराजोलियम आयोडाइड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भी जो है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होता है। तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके स्टेबलाइज होते हैं। इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये आपका मूव कर सकता है, तो प्लस चार्ज दोनों एन पे जाएगा। तो एक बार ये मिथाइलेशन हुआ, जनरली ये मिथाइलेशन यहाँ पे रुकता नहीं है। दिस साइड कैन लॉस एन प्रोटॉन एंड फर्दर रिएक्ट विद मिथाइल आयोडाइड प्रोड्यूस एन एन डाई मिथाइल पैराजोलियम आयोडाइड। तो जब ये रिजोनेंस होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो ये जो दूसरा जो एक पैराजोल प्रेजेंट होता है नॉन मिथाइलेटेड, वो क्या करता है इसके एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लेता है। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है और पैराजोल कन्वर्ट हो जाता है पैराजोलियम केटायंस में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एन के ऊपर एच चला गया और किस पर चार्ज फिनिश हो गया। तो अब ये कंपाउंड दोबारा मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कर लेता है और दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ जाता है, जो कि आयोडीन के साथ में न्यूट्रलाइज रहता है। तो इस कंपाउंड को जो फाइनल कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग एन एन डाई मिथाइल पैराजोलियम आयोडाइड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। द पॉसिबल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पोजीशन इन पैराजोल इज C3, C4 एंड C5, इन विच C4 पोजीशन इज द मोस्ट फेवरेबल बिकॉज इट डू नॉट फॉर्म अनस्टेबल पॉजिटिव एजोमिथीन इंटरमीडिएट। तो C3, C4, C5 पोजीशन है जहाँ पर अटैक इलेक्ट्रोफिलिक का हो सकता है, मगर जनरली जब भी रिंग में नाइट्रोजन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है वो स्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए सूटेबिलिटी कम हो जाएगी और रिएक्शन आसानी से नहीं होंगी। तो यहाँ पर तो बेंजीन या पैराजोल से कंपेयर करेंगे तो रिएक्शन स्लो होती है इलेक्ट्रोफिलिक की, और जनरली इन सब में C4 पोजीशन सबसे ज़्यादा फेवरेबल है कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसको हम लोग जो है इसकी जो रिजोनेंस है उसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे तीन पैराजोल के कंपाउंड पहले बना लिए हैं, तो और तीनों पर हमने अटैक दिखाया, अलग अलग अटैक दिखाया। पहले में 5 पोजीशन पर अटैक दिखाया गया, जिसमें रिंग इलेक्ट्रोफाइल 5 पोजीशन पे जाके जुड़ता है। सेकंड में हमने C4 पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ा हुआ है, और जो थर्ड है इसमें C3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को का अटैक दिखाया हुआ है। तो अब अगर हम C5 अटैक की बात करें तो C5 पे जब अटैक होगा तो जनरली रिजोनेंस बनेगा। तो जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोग इलेक्ट्रॉन मूव करके बना सकते हो, प्लस चार्ज, फिर रिजोनेंस, सेकंड प्लस चार्ज और थर्ड प्लस चार्ज।
अब इन तीनों स्ट्रक्चर को हम लोग अगर स्टडी करें तो यहाँ पर देखते हैं कि जो मीथेन बन रहा है, जो जो मीथेन होता है, ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड्स हैं। इंटरमीडिएट विद पॉजिटिव चार्ज एजो मीथेन इज अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये रिएक्शन ज़्यादा फ्लोरेबल्स नहीं होती है। फिर आगे अगर हम लोग देखें सी फोर अटैक में, तो सी फोर अटैक में दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक तो पहला ये फिफ्थ पोजीशन पर, और सेकंड आपका दिखाया गया है। तो ये रिजोनेंस फोर और फिफ्थ स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो एजोमिथिन कंपाउंड है वो नहीं बनता है। इससे इसमें देखिए एजोमिथिन कंपाउंड है कौन सा, वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं। तो ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये एजोमिथिन का है, तो ये अनस्टेबिलिटी शो करता है। तो ऐसा कंपाउंड आपका जो ये फोर्थ स्ट्रक्चर है और जो ये फिफ्थ स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पर नहीं बनना है, इसलिए ये आपका स्टेबल कंपाउंड कहलाएगा। ऐसे अगर जो सी थ्री अटैक अगर हम लोग दिखाएं, तो जो आपका सी थ्री अटैक है यहाँ पे जो रिजोनेंस बनना, इसमें भी देखो एजोमिथिन बनता है, इसमें एन जो है केवल दो बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, साथ में इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये कंपाउंड भी अनस्टेबल होता है। तो इस तरीके से सी थ्री अटैक फेवरेबल नहीं है इलेक्ट्रोफाइल के लिए, और सी फाइव अटैक फेवरेबल नहीं है, कि इन दोनों के जब अटैक में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं तो अनस्टेबल एजोमिथिन बनता है। तो फेवरेबल कौन सा है, सी फोर अटैक इज अ फेवरेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पाइराजोल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फेवरेबल इन न्यूट्रल एंड एल्कली मीडियम। जब भी रिएक्शन कराएंगे तो मोस्ट रिएक्शन फेवरेबल होती है न्यूट्रल और एल्कली मीडियम्स में। एसिडिक मीडियम में जनरली रिएक्शन कराने पर कई बार प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, जैसे पीछे रिएक्शन पढ़ाई थी कि वीक बेस की तरह काम करता है, प्रोटोनेटेड हो जाता है, तो ज़्यादा एसिड डालने पर, स्ट्रॉन्ग एसिड डालने पर प्रोटोनेशन हो जाएगा, पैराजोल इज प्रोटोनेटेड एंड प्रोटोनेटेड पैराजोल इज स्लो डाउन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑन पैराजोल, और क्या होगा जिससे रिएक्शन क्या होगी इसकी और स्लो हो जाएगी। तो कुछ ऐसी रिएक्शन जो आसानी से नहीं होती हैं वो एसिडिक मीडियम में बिल्कुल नहीं होंगी। तो नॉर्मल केसेस में हम लोग कुछ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कराते हैं, मगर उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर आपको फास्ट रिएक्शन करानी है तो आपको न्यूट्रल एल्कली मीडियम में करानी पड़ेगी। तो नाइट्रेशन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराया गया है, फिर क्या होगा इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि साथ में कुछ ना कुछ एन का प्रोटोनेशन भी होगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मगर कहाँ बनेगा ये ध्यान देना है, फोर पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा, फोर नाइट्रो वन एच पाइराजोल बनता हुआ दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम लोग आयोडीनेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने लुईस एसिड नहीं यूज किए हैं, जनरली लुईस एसिड क्या करते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, इसलिए उनको हम लोग अवॉइड करते हैं इन रिएक्शंस में, और कम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद रिएक्शन बिल्कुल होती ही नहीं है, तो उनको अवॉइड किया जाता है। तो आयोडीन की रिएक्शन एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई गई है, दैट इज अ हैलोजिनेशन, और जो आपका फोर्थ पोजिशन है वहाँ पर आयोडो कंपाउंड इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर आयोडो वन एच पैराजोल बनता है। ऐसे ही सल्फोनेशन एसिडिक मीडियम में कराया जाता है H2SO4 या फिर ओलियम के साथ में, तो यहाँ पर भी फोर पोजिशन पर सल्फोनेशन होता है, वन एच पैराजोल फोर सल्फोनिक एसिड बनता है। चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पर प्रोटीनेशन होगा, इसकी वजह से इसकी जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगी। आगे अगर आपको रिएक्शन करानी है ब्रोमिनेशन कराने के लिए, जनरली NBS का यूज करते हैं। जैसे आपको पता है कि ब्रोमीन का बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होती है, और यहाँ पे स्लो रिएक्शन कराने के लिए हम लोग एसिड का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए NBS का यूज़ किया जाता है। N-bromosuccinamide ब्रोमिनेटिंग एजेंट की तरह यूज होता है, जिससे फोर पोजीशन पे ब्रोमिनेशन होता है और प्रोडक्ट बनता है 4-bromo-1H पैराजोल।
तो सारे रिएक्शन में देख रहे हो जो पावर जोल का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक है, चाहे वो नाइट्रेशन हो, आयोडिनेशन हो, ब्रोमिनेशन हो या सल्फोनेशन हो, हर जगह पे जो इलेक्ट्रोफाइल है NO2, IBr और SO3H, ये जो है फोर्थ पोजिशन पर ही आकर के जुड़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर जनरली हमारे पास जो एग्जांपल हैं वो सब्स्टिट्यूटेड पैराजॉल के हैं। तो एक ये पैराजॉल है जिसकी 3 पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप पहले से लगा हुआ है और n पोजिशन पे pH लगा हुआ है। तो 3-methyl-1-phenyl-1H पैराजॉल का रिडक्शन ऑक्सीडेशन है ये, कि हमने 4 का जब भी हम ऐड करेंगे तो इसका जो CH3 ग्रुप है वो रिड्यूस होकर के COOH में कन्वर्ट हो जाता है और बना 1-phenyl-1H पैराजोल 3-carboxylic acid। ऐसे ही 1-phenyl-1H पैराजोल का अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं, अगर H2PD डालते हैं, तो पहले माइल्ड रिडक्शन होता है और एक जो CC बॉन्ड है वो रिड्यूस होता है, 1-phenyl-4-5-dihydro-1H पैराजोल बनता है। और अगर इसको हीट कर दें तो हीट करने पर जो दूसरा CN ग्रुप है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है और 1-phenyl-pyrazolidine N, अगर 5-member रिंग में 1-2 पोजिशन पे N जुड़े हुए हैं तो इसको हम लोग एजोलिडीन के नाम से जानते हैं, 1-phenyl-pyrazolidine कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है। अब लास्ट में क्यों पढ़ें पैराजोल को, तो जनरली हम लोग बी फार्मा के स्टूडेंट्स आप लोग हैं तो पैराजोल का मेडिसिनल यूज़ क्या है वो आप लोगों को जानने हैं। तो पैराजोल एंड इट्स डेरिवेटिव आर वाइडली यूज एज एन इंटरमीडिएट इन सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन एज वेल एज अदर फील्ड्स। बहुत ज़्यादा स्कोप है, पैराजोल से बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड बनाए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाई जाती हैं और दूसरे कंपाउंड भी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पर पैराजोल मेडिसिन में प्रेजेंट है। जनरली एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेंट्री जो कुछ ड्रग्स हैं वो आपकी पैराजोल डेरिवेटिव कंटेन करती हैं। इसमें एक ड्रग्स का नाम है फिनाइल ब्यूटाजोन, दूसरी ड्रग्स का नाम है टेपोक्सिलीन और थर्ड इज है लोनाजोलैक। और भी ड्रग्स हैं जो इसके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। इसके अतिरिक्त एक एग्जांपल है एंटीपायरेटिक का, जो फेनाजोन है जो फीवर को कम करने के काम आता है, और एक एग्जांपल लिया इंसेक्टिसाइड का आइसोलेन। तो आइसोलेन इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। अब अगर स्ट्रक्चर देख लें तो पहले फेनाजोन का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। फेनाजोन के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ये एंटीपायरीन कहलाता है, ऐसे कंपाउंड को एंटीपायरीन कहते हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग और एक आपका पैराजोल रिंग जुड़ी होती है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो पैराजोल का डेरिवेटिव है। पैराजोल में एक पोजीशन 5 पोजीशन पर CO और जो 2-3 पोजीशन है वहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और 1 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है, दैट इज अ फेनाजोन स्ट्रक्चर। दूसरे में आप देख सकते हो यहाँ पर भी जो पैराजोल का स्केल्टन है वो प्रेजेंट है, जिसके दोनों नाइट्रोजन पर एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा होता है और आपका जो इसकी 3 और 5 पोजीशन है उसमें कीटोनिक ग्रुप है या फिर एमाइड ग्रुप कह सकते हो, एंड जो 4 पोजीशन है वहाँ पर 5 कार्बन की एक चेन जुड़ी होती है। तो दिस इज नोन एज फिनाइल ब्यूटाजोन और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरह काम करता है। फिर यहाँ पे टेपोक्सिलीन लिया हुआ है जो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरह काम करता है और इसमें एग्जैक्ट जो है पैराजोल रिंग जुड़ी होती है, जिसके जो है 1 और 5 पोजिशन पर फेनिल रिंग है, 1 पे पैरामिथॉक्सी फेनिल रिंग जुड़ी है और आपका 5 पोजीशन पर पैरा क्लोरोफिनिल रिंग जुड़ी है, साथ में 3 पोजीशन पर आपका एमाइड कंपाउंड नहीं ऑक्साइम कंपाउंड जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये टेपोक्सिलीन है। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमने लिए हैं जिसमें पैराजोल रिंग प्रेजेंट होती है। हमें एक और कंपाउंड पढ़ना है, पैराजोल का एक भाई है, दैट इज कॉल्ड इमिडाजोल।
बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर, बस अंतर ही रहेगा, सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। पीछे जो है पाइराज़ोल में 1 और 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, अगर पाइराज़ोल एन की पोजीशन 1 और 3 कर दी जाए तो ये इमिडाज़ोल कहलाता है और ये एक तरीके का पाइराज़ोल का आइसोमर है। तो 1 और 3 पोजीशन पर यहाँ पे एन एच जुड़े होते हैं, बाकी सेम है। 2 और 3 पोजीशन पर एक सी एन बॉन्ड डबल बॉन्ड और 4 पोजीशन पर एक सी सी डबल बॉन्ड होता है, एक लोन पोजीशन होता है, लोन पेयर होता है 1 पोजीशन पर, और जो सारे कार्बन सेंटर हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। इसमें भी एक लोन पेयर और 2 पाई बॉन्ड ले करके हकर्स रूल को अप्लाई किया जा सकता है जिससे n=1 निकल के आता है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसका मतलब कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो व्हाइट कलर सॉलिड है, और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 89 to 91 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसकी जो सिंथेसिस है में एक इम्पॉर्टेंट सिंथेसिस है दैट इज कॉल्ड डिबर्स रेडिजिस की इमिडाज़ोल सिंथेसिस। फर्स्ट अ डाई कार्बोनिल एंड अमोनिया कंडेंस टू गिव अ डाई इमीन, दिस डाइमीन कंडेंस विद द एल्डिहाइड एंड प्रोड्यूस इमिडाज़ोल। तो 2 स्टेप में रिएक्शन कराई जाएगी, जिसमें एक डाई कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पहले अमोनिया से कराएंगे, डाइमीन बनेगा और ये डाइमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड से कराने पर इमिडाज़ोल बन जाता है। तो कोई एक डाइकीटोन ले लो जिसमें 1-2 पोजिशन पर आपका डबल बॉन्ड है, तो ये डाइकीटोन है, इसकी 2 अमोनिया मालिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं, तो दोनों जो ओ ग्रुप हैं यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है और NH इंट्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग डाइइमीन के नाम से जानते हैं। और फिर इसकी किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पर फिर से कंडेंसेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पे एक आपका साइक्लिक कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है। तो साइक्लिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग दिखाई गई है, आपका हाइड्रोजन शिफ्ट करने पर क्या होता है, इमिडाज़ोल बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे NH आ जाता है, दैट इज कॉल्ड इमिडाज़ोल। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिवर्स रेडिजिस की इमिडाज़ोल, इसमें डाइकीटोन की रिएक्शन पहले अमोनिया से फिर एल्डिहाइड से कराई जाती है। ऐसे ही इमिडाज़ोल को हम लोग अल्फा हैलोकीटोन और एमाइड से भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अल्फा हैलोकीटोन जो है जैसे पीछे डाइकीटोन लिया था उसका एक CO हटा दो और यहाँ पे Br लगा दो, और ये चूंकि अल्फा पोजीशन है इसकी कीटोन के पास में, इसलिए इसको हम लोग अल्फा हैलोकीटोन, या फिर चूंकि यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो अल्फा ब्रोमोकीटोन भी आप इसको कह सकते हो। एमिडीन से रिएक्शन कराते हैं, एमिडीन इज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स स्टार्टिंग प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ इमिडाज़ोल। तो क्या होता है, 2 एक कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर भी होती है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो एक तो BrH निकल जाता है यहाँ पे -BrH, और दूसरी तरफ यहाँ पे H2O निकल जाता है वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपका इमिडाज़ोल बनता हुआ दिखाई देता है। फिर हाइड्रोजन का रिअरेंजमेंट भी होगा एक ऐसे ही, अगर Br नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकता है, R1 R2 लेंगे और फिर एमिडीन की रिएक्शन कराएंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं यहाँ पे और इमिडाज़ोल बन जाता है। तो हम लोग अल्फा हैलोकीटोन और एमिडीन की रिएक्शन करा करके भी इमिडाज़ोल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही 1-2 डायमीन और नाइट्राइल की रिएक्शन करा करके भी इमिडाज़ोल को सिंथेसाइज किया जा सकता है। तो ये आपका 1 और 2 पोजिशन पर जुड़े हुए डायमीन है और इसकी रिएक्शन साइनाइड कंपाउंड से R3CN से कराई जा रही है, तो यहाँ पर भी एक तरीके का साइक्लाइजेशन होता है और साइक्लाइजेशन के थ्रू अमोनिया बाहर निकल जाती है और इमिडाज़ोलिन कंपाउंड बनता है, इमिडाज़ोलिन। और इमिडाज़ोलिन का अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है, डिहाइड्रोजिनेशन करना है, जिससे आपका जो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में कंपेयर हो सके। तो यहाँ पर एक रिएजेंट दिया गया है बेरियम
मैग्नेट, बेरियम मैग्नेट क्या करता है कि सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। और इस तरीके से 1,2-diamine और नाइट्राइल से हम लोग इमिडाजोल का डेरिवेटिव सिंथेसाइज कर सकते हैं। फिर हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसे हम लोग पैराजोल में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे थे सेम स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे। तो NH का लोन पेयर स्टार्ट करेगा, फिर आपका 3 पोजीशन पर माइनस चार जाएगा, फिर आपका 5 पर जाएगा, 5 के बाद 2 पर जाएगा और 2 के बाद जो है आपका 4 पर चला जाएगा। तो इस तरीके से इमिडाजोल भी 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिक्सचर है और हाइब्रिड फॉर्म में यहाँ पर भी माइनस चार्ज अंदर साइकिल में दिखाएंगे और प्लस चार्ज इनके ऊपर दिखाएंगे। तो रिजोनेंस हाइब्रिड इमिडाजोल एनायंस फॉर्म होगा। रिएक्शन की बात करें अगर इमिडाजोल की, तो यहाँ पर भी ये बेसिक कंपाउंड है और ये बेस के साथ में रिएक्शन करता है और एसिड के साथ में भी रिएक्शन करता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं। यानी कि एम्फोटेरिक कंपाउंड है जनरली ये इमिडाजोल, जब हम केएच डाल दें इसमें तो क्या करता है ये हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस कर देता है, HOH निकल जाता है बाहर और यहाँ पे जो इमिडाजोल एनायंस बनता हुआ दिखाई देता है जो पोटेशियम के साथ में साल्ट बनाता है। तो डीप्रोटोनेशन हो जाता है NH का बेस की प्रेजेंस में। ऐसे एसिड की रिएक्शन सिमिलर रहेंगी, अगर H+ ऐड करेंगे तो जो N ग्रुप है वह H के साथ में जुड़ जाएगा जा करके और इमिडाजोलियम आयन बना लेगा। इमिडाजोलियम आयन रिजोनेंस स्टेबलाइज रहता है दो स्ट्रक्चर के बीच में। तो इस तरीके से देखते हैं बेस डालने पर डीप्रोटोनेशन हो जाता है नाइट्रोजन का और एसिड डालने पर नाइट्रोजन ग्रुप का प्रोटोनेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो दोनों से ये रिएक्शन करता है। अब पहले रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस चलेगा, कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एन मिथाइलेशन करा के हम देखेंगे, मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे। तो जब मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एन ग्रुप का मिथाइलेशन हो जाता है और एन पे प्लस चार्ज क्वार्टरिंग साल्ट बनने की वजह से इमिडाजोलियम साल्ट बनता है, एन मिथाइल इमिडाजोलियम आयोडाइड बन जाता है। और इसको क्या होता है अगले स्टेप में जो दूसरे इमिडाजोल प्रेजेंट है और इसका जो हाइड्रोजन होते हैं उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, जिससे आपका डीप्रोटोनेटेड इमिडाजोल बन जाता है। और ये डीप्रोटोनेटेड इमिडाजोल का नाइट्रोजन दोबारा मिथाइल ग्रुप से रिएक्शन करता है और बना लेता है NN डाइमिथाइल इमिडाजोलियम आयोडाइड। तो मिथाइलेशन का जो प्रोसेस है वो सेम है पैराजोल और इमिडाजोल में, दोनों नाइट्रोजन ग्रुप आयोडाइड मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करके डाई इमिडाजोलियम साल्ट बनाते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे पैराजोल की तरह ही अटैक होंगे, मगर एक अटैक चेंज हो जाता है। C5 पोजीशन है तो C5 अटैक मैंने यहाँ पे दिखाया गया है, C4 पे कार्बन है C4 पे अटैक दिखाया है, या C3 पर तो नाइट्रोजन आ गया तो C3 पे अटैक ना दिखा करके C2 पे कार्बन है तो थर्ड रिएक्शन में C2 का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक दिखाएंगे। तो पहले में इलेक्ट्रोफिलिक आपका 5 पोजीशन पे जुड़ता है और इसके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों में देख सकते हो एजो मिथिन ग्रुप कहीं भी नहीं बन रहा है, तो फेवरेबल है, 5 पोजीशन पर रिएक्शन हो सकती है। ऐसे अगर हम 4 पर अगर अटैक कराएं तो 4 भी फेवरेबल है यहाँ पे, क्योंकि एजा मिथिन्स नहीं बन रहा है, बस अंतर ये 5 में 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और 4 में 2। तो जो 5 है थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल होगा 8 कंपेरिजन टू 4। और जब हम C2 अटैक की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ये कंपाउंड है 6 नंबर वाला, तो 6 नंबर वाले कंपाउंड पे एजोमिथिन बन गया जो अनस्टेबल होता है। तो दो तरीके की रिएक्शन यहाँ पे पॉसिबल होंगी, पहली आपका C5 अटैक से सबसे फेवरेबल, फिर C4 अटैक से। अगर जो C2 अटैक है इससे जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा।
तो यहाँ पर ये कुछ जो पीछे रिएक्शन ली थी वही रिएक्शन ली हुई है, तो लगभग सिमिलर प्रोडक्ट आप देख सकते हो। जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं यहाँ पे, तो नाइट्रेशन कराने पर 4-नाइट्रो-1-इमिडाजोल ही बनना है मेन प्रोडक्ट की तरह, और कुछ माइनर प्रोडक्ट में 5-नाइट्रो-1-इमिडाजोल भी बनेगा। ऐसे आयोडीनेशन कराते हैं, सिंपल आयोडीन से रिएक्शन हो जाती है, इसमें भी 4-हाइड्रो-1-इमिडाजोल बनता है। सल्फोनेशन कराने पर भी आपका 1-इमिडाजोल 4-सल्फोनिक एसिड बनता है, और ब्रोमिनेशन कराने पर एस्टिक की प्रेजेंट में थोड़ी सी रिएक्शन वाइग्रस होती है और 2-4-5-ट्राइब्रोमो-इमिडाजोल बनता है, और अगर इसको सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन करा दें, हीट कर दें, तो 2 ब्रोमीन एटम जो जुड़े हुए हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, और इस तरीके से आपको बनता हुआ दिखाई देता है 4-ब्रोमो-1-इमिडाजोल। तो जनरली 4 पे प्रोडक्ट बनेंगे और माइनर में आपका 5 पर कंपाउंड बनता हुआ दिखाई देता है। नाउ मेडिसिनल यूज की बात करें अगर हम लोग इसके, तो ये भी इंटरमीडिएट फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में यूज़ होता है, साथ में दूसरे डेरिवेटिव भी बनाए जाते हैं। इसकी जो सबसे अच्छी प्रॉपर्टीज़ है ड्रग्स में वो है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़। जो ये एजोल होते हैं, ये जो एंटी फंगल एजेंट ड्रग्स बनाने में सबसे ज़्यादा पावरफुल यूज होते हैं, और ये कंपाउंड मार्केट में अच्छी तरह से अवेलेबल हैं। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, किटकोनाजोल, माइकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, इन सब की क्रीम आती हैं मार्केट्स में। जनरली जो फंगस इन्फेक्शन होता है हमें स्किन पे ज़्यादा होता है, तो इन सब की स्किन या पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, साथ में टेबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो क्लोट्रिमाजोल मैक्सिमम एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर माइकोनाजोल का मैंने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग्स है, जिसमें आप देख सकते हो कि इमिडाजोल रिंग है, इसका जो एन पोजीशन है वहाँ से आपका आपकी दो जो है डाइक्लोरो रिंग जुड़ी हुई है, फेनिल रिंग जुड़ी हुई है। ऐसे क्लोट्रिमाजोल की अगर बात करें तो ये आपका इसमें एन से एक कार्बन मेथेन सेंटर है, और उस पर 3 जो है मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, और एक आर्थोक्लोरो फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये भी आपका एंटी फंगल का काम करता है। कुछ और एग्जांपल देखें इसके, तो इसमें एंटी कुछ कंपाउंड एंटी हिस्टामिन एजेंट की तरह काम करते हैं, जैसे आपका सिमिटिडीन, और इसका यूज पेप्टिक अल्सर में रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है। सिमिटिडीन में भी देख सकते हो आपका इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है, और इसकी जो है एक पोजिशन पर जो 5 पोजिशन पर मिथाइल ग्रुप है, और जो 4 पोजिशन है उस पर लॉन्ग थायोस साइनाइड और ग्वानिडीन कंटेनिंग रिंग जुड़ी हुई है। तो सिमिटाडीन है जो एंटी हिस्टामिन्स का काम करता है। ऐसे ही एक कई ड्रग्स एंटी प्रोटोजोवल की तरह ही काम करती हैं, और जो एमोबॉइक प्रोटोजोवल है जो डाइसेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको किल करने में काम आता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है। मेट्रो इंडाजोल के नाम से जानते हैं, जो मेट्रोजिल ड्रग्स आप लोग यूज करते हो ये शायद वही है, मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल एंटी प्रोटोजोवल ड्रग्स है, जिसमें आप देख सकते हो जो 1 पोजीशन है उसमें CH2 CH2OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, और जो 5 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं इमिडाजोल ड्रग्स के जो यूज किए जाते हैं। तो ये था लेक्चर 31, जिसमें हम लोगों ने पैराजोल और इमिडाजोल के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 2 नए कंपाउंड लेके आएंगे, दैट इज ऑक्साजोल एंड थायाजोल। तो तब तक आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको आप लोग रिवाइज करें, और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।